इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं? देखें, कह रहे हैं कि अगर हम प्लस प्लस और माइनस माइनस को एक साथ लिखेंगे तो ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाएंगे। माना प्लस प्लस इंक्रीमेंट कहलाएंगे और माइनस माइनस जो है डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाएंगे। लेकिन इसमें दो तरीके होते हैं, एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है पोस्टफिक्स। इसको समझने से पहले ये काम कैसे करते हैं इसको समझते हैं। अगर कोई भी हमारे पास इंटीजर या डेसिमल वेरिएबल है और उसको हम लिख रहे हैं num इज़ इक्वल टू num प्लस वन, मतलब हम क्या लिख रहे हैं कि जो भी num की वैल्यू है उसमें प्लस कर दो वन और उसको असाइन कर दो num को। अगर आप एक मिनट के लिए हम सोचें, num की वैल्यू जो इनिशियल है वो 5 है, तो यहाँ पर num की वैल्यू क्या होनी चाहिए? एक्सेलेंट। अब इसी सेंटेंस को अगर हम इस तरह से लिखें तो इसका क्या मतलब होना चाहिए? इसका मतलब भी 6 ही होगा। मतलब ये इसकी फुल फॉर्म नोटेशन है और ये इसका शॉर्ट फॉर्म नोटेशन है। इसमें इसको थोड़ा खोल के लिखा गया है num असाइनमेंट num प्लस वन, यहाँ पे लिखा गया है num प्लस इक्वल। अब प्लस इक्वल यहाँ पे एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, जैसे ये इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये भी असाइनमेंट ऑपरेटर है। लेकिन शॉर्ट नोटेशन में हम इसी जुमले को इस तरह लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। और डिक्रीमेंट में भी इस तरह लिखेंगे, num एक असाइनमेंट num माइनस वन। अगर num की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे अब num की वैल्यू हो जाएगी 4, और इसको शॉर्ट नोटेशन में num माइनस इक्वल, ये भी एक असाइनमेंट ऑपरेटर है लाइक इसकी तरह, और ये भी यही काम करेगा। या तो आप अपने प्रोग्रामिंग में ऐसे लिख लें या फिर ऐसे लिख लें, ठीक है। अब आगे चलते हैं। लेकिन अगर आप num के साथ प्लस प्लस लिखेंगे तो क्या होगा? num के साथ प्लस प्लस लिखेंगे तो क्या होगा? कुछ दिमाग काम कर रहा है? सबसे पहले समझ लें, किसी भी इंटीजर, मतलब मैं कैरेक्टर वेरिएबल की बात नहीं कर रहा, मैं इंटीजर वेरिएबल की बात कर रहा हूँ। किसी भी इंटीजर वेरिएबल के साथ अगर आप प्लस प्लस लिखेंगे, इट मींस कि आप कह रहे हैं जो भी उस वेरिएबल की वैल्यू है उसमें प्लस वन कर दो, जो भी उस वेरिएबल की वैल्यू है उसमें प्लस वन कर दो। और अगर आप माइनस माइनस लिख रहे हैं तो आप ये ही कह रहे हैं जो भी वेरिएबल की वैल्यू उसमें से वन माइनस कर दो। तो यहाँ पर इस तरह के ऑपरेटर्स को हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर इनका नाम है, लेकिन इनको हम यूनरी ऑपरेटर भी कहते हैं। यूनरी ऑपरेटर इसलिए कहते हैं, इसमें दो ऑपरेंड की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप देखें माइनस और प्लस जो हैं ये यूनरी ऑपरेटर नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलवेज आपको दो ऑपरेंड चाहिए होते हैं, चाहे दो वेरिएबल चाहिए हो, एक वेरिएबल या एक कॉन्स्टेंट चाहिए हो। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप किसी वेरिएबल के आगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाएंगे या डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाएंगे तो ये कहलाएगा पोस्ट। पोस्ट माने बाद में, पोस्ट माना बाद में, पोस्ट इंक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट। और अगर आप इनको शुरू में लगाएंगे तो ये कहलाएगा प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट। प्री माने पहले, पोस्ट माने बाद में। अब कह रहा है द एक्सप्रेशन num प्लस प्लस इज प्रोनाउंस्ड num प्लस प्लस एंड num माइनस माइनस इज प्रोनाउंस्ड num माइनस माइनस, मतलब इसको ऐसे पढ़ा जाता है। ओके, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर ये पहले और बाद में लगाने का फ़ायदा क्या है, पहले और बाद में लगाने का फ़ायदा क्या है, तो यहाँ पर कह रहा है कि ये समझें, आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझा रहा है। अवर एग्जाम्पल सो फार शो द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर एंड इन पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स। पोस्टफिक्स ये देखिए यहाँ कह रहा है और प्रीफिक्स, ठीक है। तो विच मीन्स ऑपरेटर इज प्लेस आफ्टर वेरिएबल, और प्रीफिक्स माने विच प्लेस बिफोर द वेरिएबल नेम। लेकिन ये दो जगह पर ऑप्शन क्यों दिया गया है, इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अब आपको मैं प्रोग्राम बना के नहीं दिखा रहा, प्रोग्राम को समझा रहा हूँ। अब प्रोग्राम को समझना भी एक सलाहियत है, ठीक है ना। ये सलाहियत किस काम में आने वाली है, थोड़ा सा और कम करते हैं। दिख रहा है या नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा,
ये भी एक मसला। अब दिख रहा है, सही है, ओके। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो हमारा प्रोग्राम है, तो यार मुझे नहीं दिख रहा इसमें, तो यहाँ पे क्लिक करके कह रहा है दिस प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट द प्लस प्लस एंड माइनस माइनस ऑपरेटर, यानी कि ये एक छोटा सा प्रोग्राम आपको डेमोन्स्ट्रेट करेगा, साबित करेगा, करके दिखाएगा ये प्लस प्लस और माइनस माइनस ऑपरेटर कैसे काम करता है और आप उसको कैसे अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम नीचे आए, हमने एक वेरिएबल लिया है, किस नाम से लिया है, नम, वेरिएबल का नाम नम है, इंटीजर उसकी टाइप है, फोर उसकी वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू। उसके बाद हमने यहाँ पे इस वेरिएबल की वैल्यू का आउटपुट लिया है, तो लाजमी बात है फोर ही आएगा। और यहाँ पर फिर हमने दोबारा से एक नाइन लगाई है कि आई विल नॉट नाउ इंक्रीमेंट, तो ये ऐसे ही लिखी हुई आएगी। अब यूज़ प्रीफिक्स वाले में यहाँ पर हमने पोस्ट फिक्स में नम के आगे प्लस प्लस लगाया है, यहाँ पे नम की वैल्यू का आउटपुट आएगा फोर बिकॉज इसकी इनिशियल वैल्यू फोर है, यहाँ पर आके इसकी वैल्यू हो जाएगी फाइव, और जब यहाँ पे आउटपुट लेंगे तो यहाँ पे इसका आउटपुट आएगा फाइव। फिर नीचे अब इसको इंक्रीमेंट अगेन करेगा, तो यहाँ पर जाके इसने फिर प्लस प्लस लगाया शुरू में। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पोस्ट फिक्स किया था, यहाँ पे प्री फिक्स किया है, तो यहाँ पे जब आउटपुट आएगा तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी छः, और यहाँ पर अब ये कर रहा है इसको डिक्रीमेंट, तो यहाँ पर इसने माइनस माइनस पोस्ट फिक्स पे लगाया है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू का आउटपुट आ जाएगा पाँच, और यहाँ पर इसने प्री फिक्स पे डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया है, तो यहाँ पर इसका दोबारा से आउटपुट आ जाएगा चार। ठीक है, ये इसका सिंपल यूटिलाइजेशन है प्री फिक्स एंड पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर का। इज दैट क्लियर? आप भी अपने प्रोग्राम में ऐसे कर सकते हैं, पर वेरिएबल शुड बी इंटीजर और डबल, यानी कि नंबर टाइप का वेरिएबल होना चाहिए, फिर वो डेसिमल हो या होल नंबर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैरेक्टर पर अप्लाई नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से इसका आउटपुट आ रहा है, फोर फाइव सिक्स जो अभी हमने डिस्कस किया उसी तरह से आ रहा है। अब डिफरेंस बिटवीन पोस्ट फिक्स एंड प्री फिक्स मोड्स, अब इनमें फ़र्क क्या है भाई? अगर ये काम वैसे ही हो रहा था तो दो चीज़ें देने की ज़रूरत क्या है? अब ये कह रहा है इन सिंपल स्टेटमेंट द इट डजेंट मैटर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज प्रीफिक्स इन और प्रीफिक्स मोड, द डिफरेंस इज इंपॉर्टेंट हाउएवर। इनका डिफरेंस लाजमी आपको पता होना चाहिए। तो ये कह रहा है कि वैन दीज ऑपरेटर्स आर यूज इन स्टेटमेंट डू मोर दस इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। फॉर एग्जाम्पल, एक वेरिएबल है जिसको आपने इनिशियल वैल्यू फोर रखी और उसके अंदर आउटपुट लिया नम के आगे प्लस प्लस लगा के। अब आपका इम्तहान है कि अब आपने मुझे गैस करना है कि यहाँ पर नम की वेरिएबल का आउटपुट क्या आएगा। क्लियर? ठीक है, चलें अब साथ साथ हम इसको एक्सपेरिमेंट भी करते जाते हैं कि पहला वाला तो आपको समझ में आ गया था इसका किस तरह से होगा। तो यहाँ पे हमने डेव पे लिया और डेव पे क्लिक करके एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद यहाँ से हमने एक न्यू फाइल ली और यहाँ से इसको हमने सेव कर लिया। तो यहाँ हैश इंक्लूड, ओके। तो यहाँ पे देखिए एक इंटीजर नम करके वेरिएबल बिल्कुल उसी तरह से मैंने फोर वैल्यू के साथ असाइन कर दिया है, और वही आपके सामने क्वेश्चन था सी आउट लेस देन और नम के आगे मैं अगर आउटपुट लूँगा तो अब मुझे बताएं कितना आउटपुट आएगा। एक्सीलेंट, तो यहाँ पर देखिए अभी फोर आएगा ना, ठीक है, और अब मैं इसके आगे लगा रहा हूँ प्लस प्लस। सो नाउ इज़ योर टेस्ट बिगिन कि अब आउटपुट क्या आएगा। दैट्स द डिफरेंस। लेकिन अगर यही प्लस प्लस पोस्ट फिक्स जो की जगह मैं प्री फिक्स लगाऊंगा तो अब जो आप आउटपुट कह रहे हैं वही आएगा। ठीक है, अब कुछ आपके दिमाग में बैठा पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स क्या चीज है? पोस्ट फिक्स यानी कि आपका जो कंपाइलर जब प्रोग्राम को कंपाइल करता है तो वो इस तरह कंपाइल करता हुआ आया, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन पे जब वो पहुंचा, सी आउट किया और यहाँ प्लस प्लस देखा तो इसने प्रोग्राम को अपनी मेमोरी में लिया
जो भी नम की वैल्यू थी उसमें 1 प्लस किया, फिर आउटपुट दिया। लेकिन जब आपने इस तरह लिखा तो इसने इसको पूरा मेमोरी में लिया और इसने डिसाइड किया कि अकॉर्डिंग टू रूल जो नम की वैल्यू है वो पहले मुझे दिखानी है, बाद में प्लस करना है। अब आप कहेंगे सर बाद में प्लस करा तो मुझे कैसे पता चलेगा? तो देखें, नेक्स्ट लाइन पे मैं एक एंड लाइन लेके न्यू लाइन ले लेता हूँ और नेक्स्ट लाइन पे दोबारा से नम की वैल्यू का आउटपुट लेता हूँ। तो यू विल वंडर कि यहाँ पर वैल्यू 4 आएगी और यहाँ पर वैल्यू 5 आएगी। अब आप बोलेंगे सर बीच में प्लस कहाँ किया? तो देखें, प्लस यहाँ आउटपुट के बाद हुआ, यानी कि पोस्ट फिक्स वाला मामला ये है कि जो भी प्रोसेस हो रहा होगा तो पहले वो हो जाएगा, बाद में उसकी वैल्यू में इजाफा होगा। और प्रीफिक्स वाला प्रोसेस ये होगा कि पहले वैल्यू में इजाफा होगा फिर प्रोसेस होगा, चाहे वो आउटपुट का हो, चाहे वो प्लस का हो या माइनस का हो। तो ये देखिए, ये आपका जवाब है, डिफरेंस है पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स का। ठीक है, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया? सेम डिक्रीमेंट वाला भी ऐसे ही काम करेगा।